स्वागत। हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का 19 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और ये एक्सरसाइज 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जा रही है। तो आपको जो है इसकी आउटलाइन लिखना है। अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं या छूट जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो आज हम 19 नंबर एक्सरसाइज बोलने चल रहे हैं, तो आप तैयार हो जाएं लिखने के लिए। रेडी स्टार्ट। महोदय, भाषा एक देश के नागरिक के मन के प्रेम और विचार से देश के दूसरे नागरिक के मन के प्रेम और विचार को जोड़ती है। जनतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा उन प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्र के प्रशासन कार्य को संपन्न करवाती है। कहने का तात्पर्य है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए प्रशासन कार्य का संचालन करते हैं। अतः प्रशासक अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के बीच संपर्क आवश्यक है। प्रशासन की आकांक्षा रहती है कि जनता उससे क्या चाहती है, यह बात जाने तथा जनता की इच्छा होती है यह जाने कि उसके प्रशासक उसके लिए क्या कर रहे हैं एवं करना चाहते हैं। इसलिए प्रशासक और जनसाधारण के मध्य जो भाषा संबंध स्थापित करा सकती है उस भाषा को ही जनतंत्री प्रशासन में राजभाषा बनाया जाता है। इस तरह राजभाषा सरकार अर्थात जनतंत्री प्रशासन तथा जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम जहां राजभाषा होती है, वहीं पर इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिंबित करने का विशेष उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि जनतंत्री प्रशासन को जनसाधारण के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए विश्व के सभी जनतंत्री प्रेमियों और पोषक विद्वानों द्वारा नेताओं ने अपने देश के जनसाधारण में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रशासन के सारे कामकाज जनता की भाषा में किए जाएं, जिससे प्रशासन और जनता के मध्य आपसी तालमेल स्थापित हो। भारतीय भाषाएं संरचना शब्दों के स्थान तथा वर्णमाला के अनुसार मूलभूत रूप में एक ही परिवार की भाषाएं ठहरती है। चूंकि स्वतंत्र भारत का प्रशासन भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए संविधान में इस देश की भाषाओं को केंद्र तथा राज्यों की दृष्टि से 18 भाषाओं को अभी तक राजभाषाओं के रूप में स्थान दिया गया है। इन भाषाओं में हिंदी को भारत सरकार तथा 7 राज्यों की सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के अभाव में किसी भी देश में प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है और देश की सांस्कृतिक
पहचान भी एक प्रकार से संकट में पड़ जाती है। इसलिए राजभाषा का आदर करके उसे व्यवहार में लाना चाहिए। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है, इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर लें, फिर मैच करें। अगर कोई आउटलाइन छूट गई है, नहीं बना पाए हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे क्या नेक्स्ट अगली बार अगर आपको देखने को मिले तो उसको जल्दी से आप और आसानी से आप बना सकें। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।